क्या आप ढूंढ रहे थे एक्सपर्ट टेलर? कंग्रेचुलेशंस, बिल्कुल सही वीडियो पे पहुंचे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइपिंग लगाने के थ्री डिफरेंट मेथड्स जो 3 महीने की क्वारी के बाद भी सिलाई सेंटर वाले आपको नहीं बताने वाले। ओके, सो मेथड नंबर 1 में हमने ये करना है कि गोल गले को इस तरह से कट करके ऑलरेडी आपने चिपका लेना है प्रेस बुक क्रम से, और ये जो निशान जो मैंने लगाया है ना गले पर, बिल्कुल इस निशान पर आपको सिलाई लगानी है। बहुत इजी मेथड है और कुछ नहीं करना है। पाइपिंग लगाने का जो कपड़ा है उसको नीचे रख कर हमने निशान के साथ साथ सिलाई लगानी है, ठीक है। सो निशान पर सिलाई लगाने के बाद दोनों कपड़ों को इस तरह से काट के हम कर देंगे अलहदा। अब देखें इसको इस तरह से मोड़ कर, ठीक है। जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ ना वो चौड़ी पाइपिंग वाला डिज़ाइन है, ठीक है, पतली पाइपिंग वाला डिज़ाइन नहीं है। अभी आप देख लेंगे कि इस गले को मैंने चौड़ी पाइपिंग वाले डिज़ाइन से बनाया है और बहुत अच्छी लगने वाली है ये पाइप, मतलब ये है ही चौड़ी पाइपिंग वाला, ठीक है। अभी पतली पाइपिंग वाला भी आगे आप देखेंगे डिज़ाइन। सो इस तरह से हम सिलाई लगा कर इसको कंप्लीट करेंगे और नीचे वाली सिलाई को भी इस तरह से लगा लेंगे, ठीक है। सो इसको करने के बाद हमने ये करना है नेक्स्ट स्टेप में कि ये गोल गले की तरफ जो आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर भी ऑलरेडी ये निशान मैंने लगाया हुआ है। निशान लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। आप पहले से ये सब करके रख लीजिए, ठीक है। सो ये सब करने के बाद आपने इस निशान को भी फॉलो करते हुए कपड़े को यहाँ तक काट कर आपने सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। सो ये वाली सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमने सेम मेथड यूज़ करना है। इसके लिए सबसे पहले इसको इस तरह से मोड़ कर अंदर करके इसको सेट कर ले, और सेट करने के बाद इसी तरह से आगे आगे आप सिलाई लगाते जाइए। ये है चौड़ी पाइपिंग लगाने वाला मेथड। वो सिलाई करने वाले जो पहले से ही सिलाई करते हुए आ रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन हाँ, जो बिगनर्स हैं उन बेचारों को अगर नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वरी, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं जो चीज़ भी आपको समझ में नहीं आई है, ठीक है ना। ये पहले से ही मैंने गला काट के बुकरम प्रेस करके इसको रखा हुआ था और मैंने आपको डायरेक्ट पाइपिंग लगाना बताया है, ठीक है। दूसरी साइड पर भी हम इसी तरह से निशान पर सिलाई लगाते जाएंगे, और ये कंप्लीट हो गई है हमारी सिलाई। अब इसको भी इसी तरह से मोड़ कर डिज़ाइन को फॉलो करते रहेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा डिज़ाइन है। आपने देखा भी होगा मॉल्स में आपको जगह जगह पर इसी तरह के गले स्टिच हुए हुए नज़र आएंगे। नेट डिज़ाइन में बहुत यूज़ होता है ये वाली पाइपिंग का डिज़ाइन। ओके, सो यहाँ पर ये जो कोने पर है इसको हम सेट करेंगे। इसको सही से पहले आप सेट कर लीजिएगा। अगर आप बिगनर्स हैं सो आई वुड रेकमेंड कि आप सबसे पहले इसको आयरन से प्रेस कर लें, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसे लगाना है क्योंकि डेफिनेटली नीचे हमें कपड़ा लगाना होगा। इसके लिए अगर आप चाहें ना तो इसको नीचे तक और लंबा कर सकते हैं, ठीक है। ये सिलाई जो और लंबी जा सकती है, पाकिस्तान में वैसे इसी तरह के बनते हैं, मीन्स के इतने छोटे नहीं बनते हैं, थोड़ा लंबा ही गला बनाया जाता है। 13 to 14 inches तक के तो मैंने बहुत स्टिच किए हैं और इतने ही लंबे सिए जाते हैं। मेथड 1 का प्यारा सा लुक ये हो गया है हमारा कंप्लीट। मेथड 2 के लिए ये वाला कपड़ा मैंने जानबूझकर सिलेक्ट किया है क्योंकि बहुत धागे निकलते हैं इस कपड़े पर, काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना इस पर पाइपिंग लगाना। बट नॉट एनी मोर, ये वाली पाइपिंग लगाऊंगी मैं इस कपड़े पर। और अगर आपको घबराहट होती है एक बिगिनर्स की तरह कि किस तरह धागे निकलने वाले कपड़े पर पाइपिंग लगाएंगे, तो ये देखें बहुत ही आसान तरीके से। सपोज़ कर ले कि ये चाक का कपड़ा है और मैं चाक पर पाइपिंग लगा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको इस तरह से इसको स्टिच कर लेना है। ये रेडीमेड पाइपिंग है जो मैं इस पर स्टिच कर रही हूँ। वैसे आप घर पर बनाकर भी इसको कर सकते हैं, ये डोरी वाली पाइपिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब नेक्स्ट देखिए, ये पाइपिंग को इसके साथ रख कर यहाँ पर मैं स्टिच करी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मैं चाक पर पाइपिंग को स्टिच कर रही हूँ, ठीक है। और ये है धागे निकलने वाला, तंग करने वाला कपड़ा, ठीक है। अब पाइपिंग को हम स्टिच करने के लिए आपने कोई भी फैब्रिक सेलेक्ट कर लेना है जो कि इसकी बैक साइड पर लगेगा, मीन्स के चाक की बैक साइड पर लगेगा। सो दोनों पाइपिंग को स्टिच करने के बाद ये कपड़े को लेकर हम इसी की बिल्कुल साइड बाय साइड सिलाई लगाएंगे, बहुत ही एहतियात से लगाएंगे, ठीक है। सो स्ट्रेट इस तरह से आप सिलाई लगाते चले जाएं इस पर।
और एंड में बहुत ही प्यारा सा लुक इसका जब निकल के आएगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितना आसान था धागे निकलने वाले कपड़े पर पाइपिंग को लगाना। दूसरी साइड पर भी हम इसी तरह से स्टिच करते जाएंगे, ठीक है। अगर आपको पाइपिंग लगानी है धागे निकलने वाले कपड़े, ज़रूरी नहीं है कि धागे निकलने वाले कपड़े पर ही इस तरह की पाइपिंग का मेथड अप्लाई करें, किसी भी कपड़े पर अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली आगे पीछे दोनों तरफ से बहुत ही नीट एंड क्लीन लुक देता है, जैसा कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये पीछे से भी कितना नीट एंड क्लीन लगेगा, ठीक है। अब इसको मोड़ लीजिए आप और इस तरह ये जो फालतू कपड़ा है इसको आप इस तरह से सिलाई लगा लें, ठीक है। इस तरह से आप बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगाते जाएंगे और ये वाली जो जगह है यहाँ इसको मोड़ कर यहाँ पर अच्छा सा आप कॉर्नर तैयार करके कॉर्नर की सिलाई लगाकर इस मेथड को अप्लाई करते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। समझ में, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। मैंने बहुत ट्राई किया है कि इसको सिंपल से सिंपल रखूँ ताकि जो बिगनर्स देख रहे हैं ना उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सो देखें आगे पीछे से बहुत ही नीट एंड क्लीन पाइपिंग का ये लुक है मेथड नंबर 2। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में डेफिनेटली यू कैन आस्क एंड आई विल आंसर। मेथड नंबर 3, इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं पतली पाइपिंग, ठीक है। मेथड 1 में मैंने आपको चौड़ी पाइपिंग लगानी सिखाई थी, अब हम पतली यानी थिन सी पाइपिंग लगाएंगे इसमें, ठीक है। सो गोल गला मैंने ऑलरेडी काटा हुआ है और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे एंड इसको बहुत ही इजी है इस तरह मोड़ कर हम सिलाई लगाएंगे। तो जो शुरू की आपने सिलाई लगाई थी ना उसको पतला लगाना है ताकि पाइपिंग भी आपकी पतली ही लगे। देखने में आपको लगता होगा कि गोल गले की पाइपिंग कितनी मुश्किल से लगती होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। गोल गले की पाइपिंग लगाना बहुत ही आसान, बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होता है, बहुत आसानी से ये लग जाती है, ठीक है। सो बट एक बात का आपको ख्याल रखना है कि आपकी सिलाई नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। सो ये है हमारे गोल गले की पतली वाली पाइपिंग का मेथड और आपके सामने मैंने सिर्फ 2 सिलाई में इसको कंप्लीट किया है और कितना नीट एंड क्लीन इसका लुक है। ये है हमारी पाइपिंग 1 का, ये है पाइपिंग नंबर 3 जो मैंने लगाई है और ये वाला चाक वाला पाइपिंग नंबर 2 का मेथड जो मैंने आपको करके दिखाया है। सो बहुत ही मेहनत से आज का कंटेंट आप लोगों के लिए मैंने प्रिपेयर किया था। कैसा लगा आपको कमेंट में बताना तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगैन।